गोल्डन शेयर्स के प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मौजूद हूं हैदराबाद के बिल्कुल नजदीक आलमगीर हॉस्पिटल के बिल्कुल पास। मेरे पास आज आपके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट चीज है। पहले आपको मैं लेके चलूंगा इंट्रो में आपके पास मैं बताता चलूं कि जिंदादारा ने लाहौर शहर में आजकल कैनेडियन ब्रांड टिम हॉर्टन्स की बड़ी धूम मचाए रखी है, लेकिन कराची वालों के पास से पहले से मौजूद होते हैं कुछ झकास सॉल्यूशंस। जी हाँ, उस सॉल्यूशंस को लेकर आया हूँ आज मैं कराची में। आज हम बात करेंगे कॉफी, ऐसी कॉफी ना ही पी होगी ना ही सुनी होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तुर्किश मर्ड कॉफी की। आज इस वीडियो में बिना वीजे के लेके चलूंगा मैं तुर्की के जायके की बात हो और कॉफी में तुर्की मर्ड कॉफी, क्या बात है हबीबी। आज हम बात कर रहे हैं तुर्किश मर्ड कॉफी की, इसका जायका मुनफरिद, इसके अंदाज मुनफरिद। आज हम चेक करेंगे कि ये पाकिस्तानी कॉफी से मुख्तलिफ है, इसका अंदाज भी, इसका जायका भी, क्या ये वाकई मुख्तलिफ है, इसका जायका जो बोलते हैं वो देते भी हैं, इनके रेट क्या है, ये कहाँ मौजूद है, कैसे इन्हें आइडियाज आया, जानेंगे इस वीडियो में। बने रहेंगे इस वीडियो में मेरे साथ, चलते हैं और बताते हैं आपको। क्या बताओगे सर, ये हमारी टर्किश कॉफी होती है, ये हमारी होट में कॉफी होती है, हमारी होट में कॉफी होती है, टर्किश होट में होती है, कोल्ड में होती है, हमारे पास फ्रेपे होते हैं, वो स्टिक में भी होते हैं, आइसक्रीम होती है, मतलब हमारे पास जो कॉफी जो है ना वो टर्किश फ्लेवर है। अच्छा, पाकिस्तानी फ्लेवर में नहीं है। यार ये पाकिस्तानी कॉफी से मुख्तलिफ होती है, टेस्ट भी अलग है। अच्छा, और तरीका बनाने का बिल्कुल अलग है। अच्छा, कौन सी कॉफी यूज करते हो, पाकिस्तानी नेस्कैफे या कोई अलग ब्रांड वहाँ से बाहर से मंगवाते हो? बाहर से, टर्की से मांगा। हमारे व्यूअर्स को दिखाओगे कोई ब्रांड अपना, कोई कौन सी कॉफी यूज करते हो? ये मैं आपको टर्किश टर्किश ब्लैक कॉफी जो मेकिंग के लिए काम आती है, विदाउट शुगर विदाउट मिल्क ब्लैक कॉफी है ये। अच्छा होती है ये। अच्छा, यानी कि शुगर फ्री है, हर तरह के लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो शुगर के पेशेंट हो चाहे वो कॉमन इंसान हो। अच्छा, तो आशिक भाई क्या तरीके का रहे हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स को बना कर दिखाओ भाई, और बहुत सारे लोग आपको देखना भी चाहते हैं। जी जी बिल्कुल जी, ये हमारी पंजाब रेट। अच्छा, ये रेट जो है स्पेशल किस्म की रेट है जो पंजाब से मंगाई जाती है, और ये मटकियां हैं जिनमें ये कॉफियां निकालते हैं। जी 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 जी। अच्छा जी, तो पंजाब की होती है ये, हमारे कप डिस्पोजेबल होते हैं, मिट्टी कप यूज करते हैं। अच्छा, ये हमारी तीसरी ब्रांच है माशाल्लाह। जी जी, तो एक सीएचडी की तरफ है, गोटा का बुसांग की साइड है, और ये तीसरी ये है। तो माशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश हम आगे भी बढ़ना चाहेंगे इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है। व्यूअर्स ये देख रहे हैं, ये डिस्पोजेबल कप इनका बहुत ही शानदार आला, क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा अरोमा आ रहा है, मिट्टी की खुशबू की क्या बात है, और यहाँ के लोग इस तरह से दीवानगी नजर आ रही है, जो जायका मुझे यहाँ पर जो फील हो रहा है ना, इनकी जो अरोमा जो महसूस हो रहा है वाकई शानदार। हल्की हल्की सी ठंड में कॉफी, क्या ही बात है। ये आप शेक करते रहोगे, ये मट के साथ इसको हिलाते रहोगे, नींद हो जाएगी। जी जी जी, व्यूअर्स आप देख रहे हो भाई, गर्मा गर्म गर्म है सर, गर्म। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, जबरदस्त। आशिक भाई क्या टाइमिंग क्या है, कब से होते हो, कैसे होते हो शिफ्टिंग है? सर हमारे जो है वीकेंड के बाकी जो हमारे पास चार दिन है, जैसे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, आम दिनों में हमारी जो है 4:30 बजे हमारी ओपनिंग है, 2 बजे हमारा हम ऑफ कर देते हैं। अच्छा, 2 बजे आप ऑफ कर देते हो, बाकी फ्राइडे सैटरडे मंडे 3 दिन जो वीकली के दिन होते हैं ये हम लोग 4:30 बजे खोल लेते हैं, जाके 4 भी बज जाते हैं। अच्छा जी जी बिल्कुल, क्या बात है, माशाल्लाह खासा रश महसूस हो रहा है, ऐसे ही रश रहता है रेगुलर, क्या बात है भाई, अल्लाह पाक इनकी तरक्की दे भाई, और जल्दी से चौथा ब्रांच भी खुलवाए। जी जी इंशाल्लाह, कोशिश में हम भी यहीं पे। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं। कमेंट करके लाजमी बताना है कि हमारी यहाँ पे आ जाना है, बदरोबाद आलमगीर रोड पे हम लोग यहाँ पे होते हैं, मलिक निहारी के बिल्कुल बैक साइड पे हम लोग होते हैं, हमारी कॉफी आप टेस्ट कर लेना।
अब आ गई है मेरे पास टर्किश कैपेचिनो। यहाँ पर मैं चेक करने जा रहा हूँ टर्किश कैपेचिनो। माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही मजे की लग रही है क्योंकि इसका अरोमा ओहो शानदार, क्योंकि मैंने बनते भी देखा है तो मुझे बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आ रही है। हल्की हल्की सी हवा है, ठंडी ठंडी भीनी भीनी। तो आए मेरे साथ ट्राई करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है बॉस, देख रहे हैं आप, ये देखें ये बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा हो रहा है, अब हल्का सा स्मूथी, क्या बात है। तो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इसको कैपेचिनो को, आप भी मेरे साथ ट्राई करें। चीयर्स। भाई बहुत मस्त, बड़ा यूनिक सा है, बिल्कुल यूनिक सा है, आम कॉफी उससे बिल्कुल डिफरेंट, घर की अम्मी वाली कॉफी नहीं है बॉस, बिल्कुल अलग सा है, कम्प्लीटली टेस्ट है। थोड़ा सा कड़वापन जो तो जो होता है कॉफी का अपना, वैसा बिल्कुल आ रहा है। बड़ी ज़बरदस्त सी कॉफ़ी आ रही है, जायका अलग सा आ रहा है, अरोमा बहुत अच्छा मड में है मौजूद, तो उसका अपना एक फ्लेवर ऐड हो रहा है, बेहतरीन है। मैं एक सिप और लेने जा रहा हूँ ताकि मैं इंजॉय करूँगा बॉस। आला गाइस, कैसी लगी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आई होगी, मुझे तो कॉफ़ी बहुत पसंद आई, बहुत नशवश सा इंजॉय किया मैंने। आज टीएमसी के अंदर मौजूद है और ये टीएमसी कंप्लीट मेन्यू कार्ड यहाँ पर मौजूद है, रेट भी यहाँ पर मौजूद है, प्राइजेस यहाँ पर लगे पड़े और बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं बॉस। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर, इंजॉय भी किया मैंने बहुत सारा, और इस कॉफ़ी की क्या ही बात है। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्राइजेस भी आपके सामने मौजूद हैं और मेन्यूज भी आपके सामने हैं। आप आए यहाँ पर टेस्ट करें, जायके को बताएं कि आपको कैसा जायका लगा। मुझे बहुत पसंद आया, मुझे रहेगा आपका इंतज़ार आपके कमेंट्स का। मैं अगली वीडियो में फिर से आपके लिए हाजिर हूँगा एक नई चीज़ लेके। मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ कि जल्दी होगी मुलाकात। खुदा हाफिज़।